नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सीआईबी इंडिया न्यूज पर। सरकार और पुलिस के अधिकारी मातहतों को ये निर्देश देते रहते हैं कि थानों पर आने वाले पीड़ित से पुलिस मित्रवत व्यवहार करे। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस की कार्यशाला तक होती है। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन पुलिस है कि अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आती। ताज़ा मामला अहरौला थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़ित ने भूमि विवाद के मामले में थाना अध्यक्ष अहरौला व अपने देवर पर गंभीर आरोप लगाते हुए जांच कर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचा यह परिवार अपने ही रिश्ते के भाई से जहां पीड़ित है, वहीं पुलिस इस परिवार पर अपराधियों जैसा सलूक कर रही है, जिससे पीड़ित परिवार पुलिस से भयभीत है। अहरौला थाना क्षेत्र के सीरपट्टी गांव के रहने वाले अजय पांडे कलकत्ता में रोजी रोटी के लिए रहते थे। कुछ वर्ष पूर्व मऊ जिले में रहने लगे। समय बीता तो अपने हिस्से की भूमि पर मकान बनवाने के लिए घर पहुंचे। आरोप है कि वो अपने हिस्से की 108 कड़ी जमीन पर मकान बनवाना चाह रहे हैं, लेकिन उनके ही एक दबंग और आपराधिक प्रवृत्ति के भाई धीरेन्द्र पांडे के आतंक का शिकार हो गए। जब भी वो मकान बनाने के लिए मजदूरों को बुलाते हैं तो उनके भाई के आतंक से मजदूर भाग जाते हैं। इसकी शिकायत उन्होंने सीएम हेल्पलाइन सीईओ के पास की तो दोनों की जांच रिपोर्ट में अजय पांडे सही निकले, तो उन्होंने मकान बनवाने के लिए अहरौला थाने से पुलिस की मांग की, लेकिन पुलिस नहीं मिली। आरोप है कि बीते 30 जुलाई को अहरौला थाना अध्यक्ष देर रात पीड़ित अजय पांडे का दरवाजा पीटने लगे। घर की महिलाएं दरवाजे पर गईं तो उनके साथ अभद्रता की गई। अजय पांडे को रात में पुलिस ने घर से उठा लिया, मारा पीटा। एसपी से बात करने के बाद उन्हें दूसरे दिन छोड़ा गया। आरोप है कि थाना अध्यक्ष ने इसके बाद उन लोगों से धमकी भरे अंदाज में कहा कि अगर कहीं भी इसकी शिकायत की तो अच्छा नहीं होगा। थानाध्यक्ष की इस धमकी से पूरा परिवार भयभीत है। पीड़ित परिजनों ने थानाध्यक्ष अहरौला और धीरेन्द्र पांडे पर कार्रवाई की मांग की है। मामला ये है कि मेरे घर पे एसएचओ साहब आए थे अहरौला थाना के। क्या नाम है? उनका नाम तो राजेंद्र प्रसाद सिंह। तो वो बोले कि आए मेरे, हम जिस घर में थे, मेरा वहाँ घर नहीं था, दूसरे के घर में हम रहते थे, तो वो लात मारे घर पे दरवाजा पे और बोले कि लात मारने लगे। तो औरतें आईं, औरतें मेरी वाइफ भी गई, बोली कि क्या बात है, बोले दरवाज़ा खोलो। फिर सब कोई दरवाज़ा खोला, बहुत गाली वाली देने लगे थे, वो रात को दरवाज़ा नहीं खोल रहा था, फिर दरवाज़ा खोला, मेरी वाइफ गई, बोली क्या बात है। तो वो पूछने लगे कोई मर्द है, नीचे उतारो, ये करो वो करो। उसके बाद मेरी लड़की गई, मेरी लड़की बोली सर इतना रात को आप आए, रात दरवाज़ा में लात मार रहे, तो गाली उल्ली देने लगे। फिर मेरी लड़की मोबाइल से बोली, मोबाइल लेके वीडियो बनाने लगी, तो बोले कि वीडियो क्यों बना रही हो, तब तक हम भी आ गए। हाथ पकड़ के उसका मोबाइल खींच रहे थे, तो लड़की मोबाइल छुड़ा ली। छुड़ाने के बाद फिर बोले कि हम आ गए थे, तो हमको बोले कि तुम चलो मेरे साथ, हमको लेके पहले घर से कुछ बाहर। हम बोले सर सीसीटीवी कैमरा है, जांच कर लीजिए, वो जांच नहीं किए, बोले चलो थाने। हमको ले गए रास्ता में, 5-6 जगह उतारे, बहुत मार मारे। लास्ट में थाने में हम लोग गए, थाने में हमको पटक दिए पिटवाइयाँ, और कोई पट्टा था, पट्टा से मेरे चूतर से पीछे बहुत मारना। पूरा मामला क्या था, फिर वजह क्या थी? वजह था हम लोग घर बनाने आए थे गांव, तो घर बनाने आए थे तो हम लोग डीएम एसडीएम सबके यहाँ कागज़ दिए थे, वहाँ से हमको सब अप्रूवल मिल गया था कि इनकी ज़मीन खाली, जो जिसके ऊपर हम आरोप लगाए थे वो बार बार बोलता था इनकी ज़मीन खाली है, कि जाके बनवा सकते। हम उसी ज़मीन पे घर बनाने गए थे, लेकिन वो बोलता था कि इनकी ज़मीन खाली है, हम जब बनवाने जाते थे तो मेरे लोगों को तो भगा देता था, या कुछ बोल देता था, या उसमें मिट्टी डाल देता था जो खनवाते थे, यही प्रॉब्लम था मेरा, और उससे मेरा कोई झगड़ा नहीं। अभी आप आए थे कार्यालय पर, क्या हुआ?
वो बोले कि हम दिए कागज, हम कुछ बताना चाह रहे थे, तो सुने नहीं कुछ। बोले कि ठीक है, तुम्हारा बहुत कागज आया, तुम लोग तो कई बार आए हो। फिर वो हम कुछ बोल नहीं पाए, वो कागज दिए चले गए। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ का कहना है कि थाना प्रभारी अहरोला के विरुद्ध एक व्यक्ति के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया गया था। थाने से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ है कि दो पक्षों के बीच जमीन का विवाद है। इसके संबंध में मारपीट का मुकदमा दर्ज है। पुलिस पर लगाए गए मारपीट के संबंध में आरोप की जांच संबंधित क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, जिनका भी दोष पाया जाएगा, उसके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को सोशल मीडिया के माध्यम से कतिपय फोटो और वीडियो प्राप्त हुए हैं, जिसमें थाना प्रभारी अहरोला के विरुद्ध एक व्यक्ति के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। थाने से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि दो पक्षों के मध्य जमीन का विवाद है, जिसके संबंध में मारपीट के कारण मुकदमा अपराध संख्या 261/22 पंजीकृत हुआ था, जिसमें पुलिस द्वारा 151, 107, 116 की कार्रवाई की गई। पुलिस पर लगाए गए मारपीट के संबंधी आरोपों की जाँच संबंधित क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे अथवा जिनका दोष पाया जाएगा, उनके विरुद्ध अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।